बहुत बहुत साधुवाद, हाँ आपने तो दूसरा रुला दिया दूसरा तो सबको। बहन जी, चुरा मेरे मज पम्मण वेर मणि सिखा पदंग समाधियों मी, चुरा मेरे मज पम्मण वेर मणि सिखा पदंग तो समाधियों। आज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देकर मैं कल के दिन जो हमारे माता रमाई के स्मृति दिवस के रूप में कल का दिवस मनाया गया था, परंतु कल महिला दिवस नहीं था, तो आज हम महिला दिवस के दिन माता रमाई की स्मृतियां कुछ ताजा करेंगे और आपसे उनकी कुछ बातें मैं उनके जीवन से संबंधित साझा करूंगी। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट से शुरुआत करना चाहूंगी। वी द पीपल समन संघ बुद्ध से पहले एक संघ चलता था जिसे हमारे ही पुरखों ने चलाया था। सभी प्रकार के निर्णय और फैसले संघ के द्वारा ही किए जाते थे। संघ का निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता था। संघ के द्वारा ही चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने स्वर्णिम शासन चलाया। सम्राट अशोक ने ही अपने शासन के दौरान महाभारत बनाया था। ब्राह्मण लोग जब भारत में आए तो हम समता में रहने वाले समण समणी कहलाए गए। बाद में समण शब्द को ही विकृत करके और काल्पनिक किस्सों और कहानियों के जरिए हमारी समण संस्कृति को विलुप्त कर दिया। आज उसी समण संघ को फिर से हमने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। बुद्ध ने बार बार संघ की शरण में जाने को कहा है। संघम शरणम गच्छामि। बाबा साहब ने भी भारत गणराज्य संघ ही दिया है। समण संघ ही हमारे देश का सबसे पुराना संघ है और केवल हम ही संघी हैं। वास्तविक संघ की परिकल्पना लोगों के लिए लोगों के द्वारा ही संचालित होती है। संघ का कोई नेता नहीं होता। संघ में कोई पद या पदाधिकारी नहीं होता। संघ के लिए कोई चंदा पर्ची शुल्क आदि नहीं लिया जाता। संघ के सभी समण लोग स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े आदि जन्मजात सदस्य होते हैं। वह दुनिया में चाहे जहां भी निवास करते हैं, संघ में सभी लोग कार्य करते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय रूप से कार्य करने वाले, दूसरे निष्क्रिय। लेकिन संघ के सदस्य सभी होते हैं। अब समण संघ की आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा है। समण संघ वी द पीपुल आज के वर्तमान परिवेश में अत्यंत आवश्यक हो गया है। भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए करुणाशील प्रज्ञा के मार्ग को ब्राह्मणों द्वारा विकृत कर शोषण की दोजख में धकेल दिया था। उससे बाहर निकालने के लिए विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर हमें जो भारत का गौरवशाली संविधान दिया है, आज उसी संविधान को भी विकृत करने की कोशिश की जा रही है। हमें अपनी अस्मिता और अस्तित्व बचाने के लिए समण संघ की ही आवश्यकता है। इसके पश्चात मैं माता रमाई के स्मृति दिवस के उपलक्ष में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। विश्व के तमाम क्रांति के जनक तथागत गौतम बुद्ध, संविधान के शिल्पकार बौद्धिक गुरु साहेब बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों महापुरुषों को कोटिशः नमन करती हूँ। इन दोनों महापुरुषों को शिखर तक पहुंचाने वाली माता माता रमाई और माता यशोधरा और माता रमाई को नमन करती हूँ और शिक्षा का अधिकार बहाल करने के लिए ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ और समय समय पर भारतवर्ष में विषमता पाखंड को दूर करने जिन जिन महामानवों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उन सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। मुझे जन्म देने वाली माता जिन्होंने 73 वर्ष की उम्र में भी वी द पीपुल समण संघ के लिए कार्य करने से सहृदय मेरे साथ जुड़ने और मुझे सहयोग करने का निर्णय लिया। और आज मैं इस अवसर पर माता रमाई का बाबा साहब के जीवन में क्या योगदान रहा, उस विषय में अपने विचार रखती हूँ। और इस हेतु मुझे प्रोत्साहित करने के लिए योगेंद्र सर का बहुत बहुत साधुवाद भी करती हूँ। बाबा साहब के हमेशा पीछे रहने वाली सहयोगिनी
हमारी नजरों से भले ही दूर रही, लेकिन उनकी भूमिका हमारे समाज की बहनों के लिए अग्रणीय है। बहनों, माता रमाई का नाम जब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले उनके द्वारा किए गए त्याग हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। विश्व के इतिहास में त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति माता रमाई भारतवर्ष में अनेक वीरांगनाओं का समय समय पर जन्म हुआ, जिन्होंने पुरुषों के बराबर कार्य किए। कुछ ने अपना योगदान क्रांतिकारी संघर्ष में दिया तो कुछ ने अपना योगदान कलम की तलवार पे दिया, कुछ ने अपना योगदान आजादी की लड़ाई में दिया तो कुछ ने अपना योगदान विषमतावादी व्यवस्था से समतावादी व्यवस्था में लाने में दिया, कुछ ने तलवार के बल पर अपना कार्य किया तो कुछ ने अपनी कलम को ही तलवार बना दिया। और सतत इस विषमतावादी समाज से संघर्ष कर महिलाओं को सम्मान दिलाने का कार्य किया। लेकिन इन सब के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और माता रमाई के बारे में भी जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते तो हैं। इन सब वीरांगनाओं से माता रमाई का त्याग, उनका समर्पण, उनकी जीवन यात्रा बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई, संघर्षमय परिस्थिति से भरा हुआ जीवन उनका रहा। बहुत कम उम्र में उनके माता पिता का देहावसान हो गया था। महज 6 साल की उम्र में माता चली जाती हैं और 7 साल की उम्र में पिता चले जाते हैं और तीनों बहन भाई अनाथ हो जाते हैं। उस वक्त रमाई के सामने सवाल होता है कि वो अपने भाई बहन को लेकर कहाँ जाएगी, क्या करेगी और अब आगे जीवन में क्या होगा। इन सवालों के घेरे में रमाई घिर जाती है जैसे किसी कटीले वृक्ष पर पतंग फंस गई हो और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही माता रमाई के बचपन भी उतने ही सवालों से उलझ जाते हैं, लेकिन माता रमाई इन कठिन परिस्थितियों से उलझते हुए अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए जीवन यात्रा निरंतर बढ़ाती है। बाबा साहब को संपूर्ण विश्व विद्वान के रूप में, ज्ञान के प्रतीक के रूप में जानता है, उन्हें युग पुरुष के रूप में जानता है। बाबा साहब को हम सदियों की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने वाले मसीहा के रूप में जानते हैं, अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की ज्योत से प्रज्वलित करने वाले प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। लेकिन उनके अनवरत संघर्ष और उनकी सहयोगिनी माता रमाई उनके संघर्ष में जीवन की अद्भुत पात्र रही हैं। यदि बाबा साहब को हम ज्ञान का प्रतीक मानते हैं तो माता रमाई बाबा साहब के साथ संघर्ष में जीवन की बात ना करे तो निरर्थक होगा। बाबा साहब हमारे समाज के लिए विदेशों में पढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन रमाई उनके पीछे अपने परिवार को संभालती रही, बाबा साहब के पीछे एक सिपाही की तरह खड़ी रही तो कभी करुणामयी माँ के रूप में भी खड़ी रही। समाज के सामने भी करुणामयी माँ बनती हैं तो समाज के सामने एक योद्धा भी बनती हैं। रमाई बाबा साहब के जीवन में चट्टान की तरह साथ देने वाली, अटल हिमालय की तरह खड़ी रहती हैं। इसी वजह से बाबा साहब जैसा दैदीप्यमान सूर्य हमें प्राप्त हुआ और हमारे जीवन को इंसानियत की जिंदगी दी। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि आज हमारी बहनें जो महंगे से महंगा परफ्यूम यूज करती हैं, वह केवल रमाई के बाबा साहेब के संघर्ष में पसीना बहाने की वजह से है। माता रमाई ने यदि अपनी साड़ी को ठिगर नहीं लगाई होती, सिलाई करके नहीं पहनी होती तो हम महंगे से महंगी साड़ियां कभी भी नहीं पहन सकती। रमाई यदि भूखी नहीं रहती तो अपन हम भी आज होटल में पिज्जा ऑर्डर करके नहीं खा पाते। आज जो हम रोटी खा रहे हैं उसमें माता रमाई के पसीने की साइन है। बहनों, रमाई यदि कष्ट नहीं झेलती
तो अपना हम जो आज चार चक्के की गाड़ियों में अच्छे बंगलों में रहते हैं वो कभी नहीं हो पाता। तो रमाई के जीवन के संघर्ष से मेरी बहनें सबक लेंगी और माता रमाई को अपने जीवन का आदर्श मानेंगी और आदर्श मानकर उनके जीवन के कुछ पहलुओं को अपने जीवन में आत्मसात करेंगी। तभी वर्तमान की बहनें अपने परिवार को, समाज को एक सशक्त सामाजिक और नैतिक विचारधारा दे पाएंगी। रमाई के माता पिता जब चल बसते हैं तो वे अपने चाचा के पास मुंबई आती हैं। एक दिन रमाई दो बच्चों को उलझन में सड़क के किनारे ऐसे विवाद करते हुए देखती है और उनकी उलझन को वो सड़क के किनारे ही खड़ा होकर सुलझाने का प्रयास करती है, उनके विवाद को, उनकी समस्या को सुनती है। तो उसी समय राम जी बाबा रास्ते से जाते जाते रुक जाते हैं और वहां की पूरी चर्चा सुनते हैं। राम जी बाबा पता लगाते हैं कि यह बच्ची कौन है, तो पता चलता है कि ये बिकू दोते बिकू की पुत्री और रुक्मणी बिकू की पुत्री है। और इसके बाद इनके उनको पता चलता है कि उनके माँ बाप नहीं है, उसके मामा और चाचा तीनों बहन भाइयों को मुंबई लेकर आते हैं। तब राम जी बाबा को लगता है कि मेरे पुत्र भीमा के लिए इससे अच्छी जीवन संगिनी हो ही नहीं सकती। राम जी बाबा पहले ही अपने सुपुत्र भीमा के लिए रिश्ता देख चुके होते हैं, तो उस रिश्ते को 5 रुपए का जुर्माना देकर, उस रिश्ते को ना बोलकर माता रमाई को अपने परिवार की सुपुत्र वधु अपने सुपुत्र के लिए लेकर आते हैं। और 9 साल की उम्र में 4/4/1906 को रमाई का विवाह बाबा साहब के साथ में होता है। जब रमाई का विवाह होता है तो वह अपने दिवंगत माता पिता को मन में याद करती है कि इस वक्त मेरे माता पिता होते तो कितने खुश होते। रमाई की बाल्यावस्था ही गरीबी में बीतती है, लेकिन रमाई के पिता उनसे कहते हैं कि गरीब होना बुरी बात नहीं, लेकिन गलत काम करना हमेशा बुरी बात होती है। इसलिए हमेशा अपने परिश्रम, अपने कष्टों से कमाए रुपयों का ही उपयोग करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ झूठ बोलकर, झूठी कहानी गढ़कर उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए। और रमाई विवाह के बाद अपने आचरण, अपने सदाचार, अपने व्यवहार से पूरे अंबेडकर परिवार को आत्मसात कर लेती है और रमाई उनकी अपनी हो जाती है। जब 1907 में बाबा साहब अंबेडकर मैट्रिक की परीक्षा पास हो जाते हैं तो बाबा साहब को जो सत्कार और खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जो सत्कार उनका देखती हैं, जो वाहवाही उनकी समाज के समक्ष देखती हैं, वो सब उसने पहले कभी ऐसा सत्कार नहीं देखा और ना ही कभी सुना था। और जब बाबा साहब वडोदरा सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी के लिए जाते हैं तो बाबा राम जी उनसे कहते हैं, बाबा साहब से, कि भीमा मैट्रिक बीए एमए कर, नौकरी के लालसा, नौकरी के मोह में मत जा, क्योंकि हमारे उत्पीड़ित समाज को उत्थान कैसे होगा। तू जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितने ज्यादा धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जितनी ज्यादा न्याय की किताबें पढ़ेगा, मानव शास्त्र का अध्ययन करेगा, तो तुझे यह समझ आएगा कि तेरे इस समाज के दुखों की जड़ का क्या कारण है। और जब तुझे तेरे समाज के दुखों की जड़ समझ आएगी तभी समाज का कल्याण होगा। ये ज्यादा समझ पाएगा तू नौकरी के मोह जाल में फंस जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेरे देखे हुए सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, तेरा समाज जो दुख उत्पीड़न दास्ता की जिंदगी जी रहा है वह दुख ऐसा ही सहते रहेंगे। बाबा साहब अपने पिता की बात नहीं मानते और वडोदरा चले जाते और राम जी बीमार हो जाते हैं और रमाई से कहते हैं, बेटा रमाई तू मुझे वचन दे कि मेरे मरने के बाद तू मेरे भीमा को आगे पढ़ने देगी, उसकी शिक्षा में कभी
व्यवधान नहीं आने देगी, उसको सहयोग करेगी। रमाई राम जी बाबा से कहती है, बाबा आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं वो करूंगी, वो सारे कष्ट उठाऊंगी, जितना मुझे परिश्रम करना पड़ेगा मैं उतना परिश्रम करूंगी बाबा, लेकिन आप अपने मरने की बात ना बोले, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मृत्यु क्या है यह मैं नहीं जानती थी। बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे। राम जी बाबा बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया जाता है और राम जी बाबा की मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हो जाती है। और बाबा साहब राम जी बाबा की मृत्यु के 15 दिन बाद ही विलायत शिक्षा के लिए चले जाते हैं और वहां जाने के बाद बाबा साहब भी कभी भूखा, उनको भी कभी भूखा रहना पड़ा, कभी सिर्फ बिस्कुट खाए, कभी सिर्फ ब्रेड खाकर रहना पड़ा। वहां विदेश में बाबा साहब की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी और यहाँ माता रमाई पर भी पूरे परिवार का भार आ जाता है। 1914 से 1917 तक रमाई के परिजनों की मृत्यु होती है। बाबा साहब का बड़ा भाई आनंद राव का देहावसान हो जाता है। बाबा साहब के सुपुत्र, उनकी सौतेली माँ, उनकी बुआ का देहांत हो जाता है, लेकिन रमाई बाबा साहब को इन चारों की मृत्यु की सूचना 1 महीने तक नहीं देती। क्यों नहीं देती? वो सोचती है कि हमारे परिजनों की मृत्यु की सूचना साहब को दे दूं तो उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ जाएगा। और रमाई बाबा साहब को इस बात की तुरंत सूचना नहीं देती और 1 महीने बाद पत्र द्वारा बाबा साहब को सूचना देते हुए लिखती है कि मैं आपके सगे संबंधियों को नहीं बचा पाई, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आप इसकी सूचना आपको नहीं दे पाई क्योंकि मैं सोचती थी कि आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। माता रमाई द्वारा लिखा पत्र पढ़कर बाबा साहब विचलित एवं दुखी हो जाते हैं और माता रमाई को पत्र लिखते हैं कि रमा, तेरा पत्र पढ़कर मैं हैरान हूँ कि तूने अकेले मेरी अनुपस्थिति में कैसे बर्दाश्त की होगी, ये सब जानकर मैं सिहर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तेरे साथ न बाबा है न कोई बड़ा है, तूने अकेले ये सब कैसे सहा होगा। तेरे यहाँ तेरे साहस को देखकर मैं यहाँ अपने आप को हिम्मत दे पा रहा हूँ और बहुत जल्द ही मैं लौट कर आने वाला हूँ। बाबा साहब वापस आकर कॉलेज की नौकरी करते हैं लेकिन उस नौकरी पर भी ज्यादा दिन भी नहीं जा पाते क्योंकि वहां कॉलेज में उनको अपमानित किया जाता है। तब बाबा साहब रमाई से कहते हैं कि बहुत जल्द मैं लंदन जाऊंगा वकालत की पढ़ाई करने। तो रमाई बाबा साहब से सवाल करती है, क्या साहब, जिस कॉलेज में आप जैसे विदेश से पढ़कर आया कोई विद्वान हो तो वहां भी आपको तिरस्कार मिला? तब बाबा साहब कहते हैं, रमाई इस देश में विद्वता की कोई कीमत नहीं है, इस देश में जाति को महत्व दिया जाता है और छोटे जाति का होने के कारण मेरा तिरस्कार होता है। जब मेरे साथ ये होता है तो मेरे समाज के साथ, मेरे समाज के लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार करते होंगे, इसीलिए मुझे कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मैं अपने और अपने समाज की सुरक्षा कर पाऊंगा। इसलिए मुझे रमा इंग्लैंड जाना होगा और बाबा साहब अम्बेडकर 1920 में वकालत की पढ़ाई करने विदेश जाकर फिर अपनी पढ़ाई जारी करते हैं और उसी बीच उनका 3-3.25 वर्ष का सुपुत्र गंगाधर बहुत बीमार हो जाता है। इसी बीच रमाई जिस फैक्ट्री में काम करती है अचानक वहां जाना छोड़ देती है और बीमार पड़ जाती है। फिर उनकी जेठानी उनसे कहती है कि रमाई तुम्हारी जगह मैं काम पर चली जाती हूँ, लेकिन रमाई कहती है कि मैंने मामा जी को वचन दिया है, बाबा साहब को वचन दिया है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार का भरण पोषण करूंगी, मैं साहब की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आने दूंगी, इसलिए जाऊबाई, जाऊबाई मतलब जिठानी को जाऊबाई कहते हैं, तो जाऊबाई मैं काम करूंगी,
आपके बच्चों आप बच्चों को संभालना, मेरी बहन गौरा, मेरा छोटा भाई शंकर, हम तीनों ही काम करेंगे। और उनका भाई शंकर मोमबत्ती वगैरह बेचने का काम करता था। गौरा रमाई के साथ काम पर जाती थी। एक दिन माता रमाई के पुत्र गंगाधर को बहुत तेज बुखार आता है। रमाई डॉक्टर के पास जाती है, कहती है कि साहब मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है, इसका इलाज करिए। डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं कर सकता, नहीं कर सकूंगा। रमाई कहती है साहब, और रमाई और डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ती है। रमाई डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि साहब मेरा बच्चा आपके सामने तड़प रहा है, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। मेरे बच्चे का शरीर अंगार की तरह जल रहा है, केवल एक बार मेरे बच्चे को इलाज कर दीजिए, मैं एक एक पैसा आपका चुका दूंगी। डॉक्टर कहता है रमाई, ये तुम्हारे जैसे भिखारी लोगों के लिए खैराती अस्पताल है नहीं, अपने बच्चे को खैराती अस्पताल ले जाओ। रमाई घर वापस आकर अपनी जाऊबाई के साथ म्युनिसिपलिटी के हॉस्पिटल ले जाती है। फिर गंगाधर को दवा देकर झूले में सुलाकर ईंधन के लिए कंडा लेने चली जाती है। वहां से वापस आती है, हाथ पैर धोकर झूले के पास जाकर अपने सुपुत्र गंगाधर को आवाज लगाती है, पुकारती है गंगाधर गंगाधर, लेकिन वो तो दवाई खाकर सोता है, तो हमेशा के लिए ही सो जाता है। रमाई जब जोर से चिल्लाती है तो घर के सारे लोग दौड़ कर आते हैं। रमाई के परिजन गंगाधर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर माता रमाई बाबा साहब को पत्र लिखती है कि मैं गंगाधर को अब हमारे बीच जो नहीं रहा, उसके सही समय पर दवाई नहीं करा पाई, उसकी ट्रीटमेंट चिकित्सा नहीं करा पाई। तब रमाई की जाऊबाई कहती है कि चल हम ईश्वर के पास चलते हैं, क्यों हमारे साथ इतनी मुसीबतें हो रही हैं। तब रमाई कहती है जाऊबाई, ईश्वर के पास जाकर हम क्या कहेंगे, हमारे पास दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, और उससे भी बढ़कर बुद्धि है। यदि हम अपने बुद्धि का सही उपयोग नहीं करें, हम यदि हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो दो पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए ईश्वर से शिकायत करने की बजाय हमें अपने हाथ पर विश्वास रखना है, हाथ पैर हिलाना होगा, मेहनत करनी होगी, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, और जब तक हम काम ढूंढेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो काम मिलने वाला नहीं। हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा कष्ट हमारा दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा। उनकी जाऊबाई लक्ष्मी इस बात को सुनकर दंग रह जाती है कि जो कभी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, आज वो इतनी ज्ञान की बातें कर रही है। ऐसा लक्ष्मी जाऊबाई कहती है। लक्ष्मी कहती है भीमा भाऊ जी अपने विदेश पढ़ने नहीं जाते तो और यहीं पर रहते। तब रमाई कहती है अपनी जाऊबाई से कि जाऊबाई जब सिद्धार्थ तो राजकुमार था, उसके पास तो सारे ऐशो आराम थे, लेकिन विषमतावादी व्यवस्था ये मानवता प्रस्थापित करने के लिए, मानव के दुख का कारण ढूंढने के लिए, उन दुखों का अंत करने के लिए सिद्धार्थ ने राजपाट और महल छोड़ दिया और बेटा छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया। आज सिद्धार्थ को उनके बुद्धत्व के कारण संपूर्ण विश्व पूजता है, उनके विचारों के सामने नतमस्तक होता है। जिस दिन हमारे बाबा साहब बैरिस्टर बन के आएंगे और बैरिस्टर बनकर हमारे समाज के हक और अधिकार प्राप्त करवाने हेतु लड़ेंगे, और लड़ने के बाद जो सफलता मिलेगी, तब यह समाज, देश और दुनिया भी हमारे साहब को युग पुरुष कहेगी। इसलिए साहब को जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि समाज के दुखों का अंत करने के लिए साहब का पढ़ने जाना बहुत आवश्यक है। समस्त धर्म ग्रंथ और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, तभी साहब इस बीमारी को जड़ से खत्म कर पाएंगे, इस बीमारी का निवारण कर पाएंगे,
इसलिए जाऊ बाई साहब का पढ़ना बहुत आवश्यक है। फिर बाबा साहब 1924 में भारत वापस आते हैं और माता रमाई अपने सुपुत्र राज रत्न को जन्म देती हैं और महज 2 वर्ष की आयु में राज रत्न को डबल निमोनिया हो जाता है और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय बाबा साहब उसे अपनी गोद में पकड़े हुए जोर से चिल्लाते हैं रमाई, और माता रमाई समझ जाती है कि उसके दिल के टुकड़े की सांस टूट गई। रमाई अपने 2 पुत्रों की पहले हुई मृत्यु की व्यथा बाबा साहब से कभी नहीं कहती, लेकिन इस बार रमाई टूट जाती है और बाबा साहब से कहती है, आप तो कचहरी चले जाते हैं, बड़े बड़े सभा सम्मेलन में जाते हो, मैं बच्चों के बिना कैसे जीऊंगी, मेरे बच्चों को के बिना मेरा घर परिवार सब सूना हो गया। साहब, दवाई के अभाव में मेरे बच्चे चले गए, आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी के भी बच्चे बिना दवाई के अभाव में, बिना दवाई के कभी उनका देहांत ना हो। बाबा साहब का पड़ोसी पांडुरंग पूछता है बाबा साहब को, क्या कफन की व्यवस्था है? तब बाबा साहब उठ के अपनी जेब में हाथ डालते हैं और नहीं की मुद्रा में सिर हिलाते हैं। रमाई अपने पति के आंखों के भाव समझ जाती है, बिना बोले आंखों की भाषा समझ जाती है और अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर राजरत्न को के कफन की व्यवस्था करती है। राजरत्न का अंतिम संस्कार किया जाता है। धीरे धीरे समय बदलता जाता है और राजरत्न की मृत्यु के बाद रमाई भी ज्यादा बीमार होने लग जाती है और बाबा साहब का कार्य बढ़ता गया और जैसे जैसे उनको सफलता मिलते गई, रमाई मृत्यु के करीब उतनी ही जाती गई और उनकी मृत्यु के बाद बाबा साहब कई बार उनकी समाधि के पास जाकर बैठते। उनके बारे में हम यही कह सकते हैं, बाबा साहब के प्रत्येक कार्य में दिया साथ, जीवन के गीत गाए यातना पर कर के मात, बाबा को हमेशा दिया साथ जैसे किसी दिए की बात। रोए रोई वो कष्टों में भी, आग में जली वो, हिम्मत से दरिद्रता से उठी वो, ऐसी मेरी माता रामाई कर्तव्य की मूर्ति। साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद, आपने तो रुला दिया सबको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, कंसर्ट बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत साधुवाद अर्चना गौतम जी, अर्चना गौतम जी एंड ओमवती जी, देखिए अब आपकी अब आपकी आप तो संभालिए अर्चना गौतम मैडम। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि ॐ शरणं गच्छामि।
शरणम।